अभी ये वाले भाई हैं, इनकी ये बाइक है जो हम लोग देख लेके गए थे। तो अभी ये भाई मेरे को लिफ्ट देंगे वहाँ तक, ये जाएंगे स्टैंड तक। तो स्टैंड से मैं फिर चला जाऊँगा किसी और के साथ में, तो स्टैंड तक चलते हैं भाई के साथ में, जर्नी को इन्जॉय करते हैं। ये पहली शुरुआत इनके साथ में हुई है हमारी आज की सुबह की। ये वाले वीडियो में ना वाइड एंगल नहीं आ रहा है क्योंकि मैं ना सामने वाले कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अपने अपना बोर्ड वगैरह ले लिया है, तो भाई ने मेरे को जो है ये वाले लोकेशन पे छोड़ा है, ये चोमू स्टैंड पे। अभी मैं इससे रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई लोग क्या सीन हुआ कि पीछे वाले में ना वॉइस नहीं आती, पीछे वाले कैमरे से रिकॉर्ड करता हूँ तो उसमें वाइड एंगल तो है। तो मैं सोचा कुछ कुछ चीज़ें वाइड एंगल से रिकॉर्ड करूँगा, जहाँ पे वॉइस लेके आनी है ना वहाँ पे इस कैमरे से। सो यही कुछ करने वाला हूँ मैं। गोप्रो का जुगाड़ मिला तो वो ले लेंगे, फिर वॉइस वगैरह आएगी उसका भी। मैं माइक नहीं लेके आया, बट उसमें क्या है कि वो वाला माइक है मेरे पास, माउनो का AE400 लेवियर माइक है, तो वो डाल लेंगे। अभी ना मैंने यहाँ से एक भाई से पूछा कि खाना वगैरह, तो उसने बोला कि यहाँ पे ढाबा है, आपको 40-45 रुपये में प्लेट मिल जाएगी, डाइट मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके देखता हूँ भाई लोग क्या सीन होता है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे। भाई लोग मैं रुका था ये वाली जगह से, तो जो सर्किल है ना उससे थोड़ी दूर ही है वो शॉप, तो वहाँ पे वो सर्किल है, वहाँ से मैं यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे भाई के पास मैंने खाना खाया, काफ़ी अच्छा खाना था, हेल्दी एकदम से, घर के जैसा, घर वाला तो मतलब नहीं बोल सकते बट हाँ घर के जैसा आपको फील आएगा। तो इन्होंने मेरे से लिए 100 रुपीज़ और इसमें आपको इन्होंने दिए मतलब फुल डाइट है, इसमें आप कितना भी मतलब रोटी वगैरह कितनी भी ले सकते हो। और आपको एक सब्ज़ी मिलती है, एक कढ़ी मिलती है, उसके साथ में मैंने लिया छाछ एक्स्ट्रा में आप ले सकते हो, उसके पैसे आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। तो मैंने एक छाछ के थैले लिए, उसके 10 रुपये अलग से, तो मतलब मेरा 100 रुपीज़ में एक टाइम का हो गया। तो चलो भाई लोग अब अपन अपना असली काम शुरू करेंगे, हिचहाइकिंग वाला। तो अपने को ना रोड के उस साइड चलना है और भाई के पास आ गया। भाई कसम से भाई ये खाना सही था, मतलब ऐसा खाना मेरे को मिल गया 100 रुपीज़, मतलब एक टाइम का 100 रुपये में हो गया हर टाइम। तो भाई मैं 200 रुपये में आराम से घूम सकता हूँ और ये मेरे लिए अच्छा ऑप्शन है। तो मतलब 200 रुपये में सब कुछ, भाई क्या बोलूँ अब। और भाई इससे सस्ता ही मिल सकता है यदि आप रिसर्च करोगे तो, आपको कहाँ पे मिलेगा मैं बता देता हूँ। 50 से 60 रुपये में आपको प्लेट मिल सकती है, जो हॉस्टल वाले बच्चों के लिए जो सुविधा नहीं होती है, जहाँ पे मतलब हॉस्टल वाले बच्चों के लिए खाना जाता है, यदि आप कहीं वैसी जगह पे चले जाओगे तो आपको आराम से मिल जाएगा, आराम से। बट आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, कभी नए नए नंबर से ट्राई कर सकते हो, आपको कुछ ऑफ मिल जाए तो। फाइनली मैं ये वाली जगह पे आ चुका हूँ, अब अपना यहाँ से काम स्टार्ट कर देंगे लास्ट में। चलो कोई मिल जाए भाई, अभी यहाँ पे ना यार स्पीड से जा रहे हैं सारे, तो मैं सोचा कोई यहाँ पे आगे कुछ ढाबा वगैरह मिल जाएगा तो मेरी हेल्प हो जाएगी। कल भी यही सीन हुआ था यार, कल भी मैं गलत उतर गया था। भाई जयपुर साइड जाओगे, कहाँ तक जाओगे, कोई ऐसी जगह पे उतार सकते हो जहाँ पे मतलब ट्रक वगैरह रुकते हो? ठीक है भाई कोई नहीं, चलो भाई तो यहीं तक जा रहे हैं। चलो रोका तो सही इन्होंने, कम से कम पूछा तो सही यार, वही बहुत बड़ी बात होती है भाई लोग। अभी बारिश का मौसम हो चुका है, बारिश भी आ सकती है आज, पर अपन क्या, अपन तो ट्राई करेंगे कोई मिल जाए तो। ठीक है भाई करते हैं ट्राई, भी मेरे को 10 मिनट हो गया बट अभी तक मैं वो कितनी लिफ्ट नहीं थी। यहाँ पे देखते तो भाई लोग कितनी सारी भीड़ है बट फिर भी कोई नहीं आ रहा है, पर अपना क्या है, अपन तो करते रहेंगे भाई ट्राई, कोई तो मिलेगा ही। भाई ने मेरे को लिफ्ट दी है, भाई का नाम मनोज है, मैंने इनको बोल दिया कि थोड़ी देर पहले छोड़ दो, तो भाई ना इसी साइड जा रहे थे। अभी भाई मेरे को वहाँ तक छोड़ देंगे जहाँ पे ट्रक्स वगैरह स्लो हो रहे हो, और बालों को थोड़ा सा इग्नोर करना यार, आपको पता है भाई इतनी मेहनत वाला काम कर रहा हूँ। इन्हें मेरे को लिफ्ट दिया, भाई का नाम मनोज है, थैंक यू भाई। ठीक है तो अभी ये भाई ने मेरे को छोड़ा रामपुरा में, तो यहाँ से अपने को दूसरी लिफ्ट लेनी है, तीसरी लिफ्ट है शायद से आज अपनी सुबह की, और यहाँ से लिफ्ट लेके फिर अपन निकलेंगे जयपुर बाईपास पे। तो बाईपास पे अपने को आराम से जो है ट्रक वाले मिल जाएंगे, तो उनसे लिफ्ट लेके अपन सीधा अजमेर जा सकते हैं, तो चलते हैं वहाँ तक। तो ये भाई का नाम चेतन है, भाई ने मेरे को फाइनली जयपुर के बाहर की साइड में जो वो बाईपास में दिखा, सॉरी अजमेर बाईपास, इस पर छोड़ दिया है, तो अपन अभी निकलेंगे यहाँ से। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच करना भाई। तो भाई का नाम चेतन है, फिर से भूल गया, तो भाई यहीं से न्यू रोड से। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। तो ये वाले भाई के बाइक है, कभी जरूरत पड़े ना भाई को, किसी को मिले तो भाई की हेल्प जरूर कर देना, ये भाई के बाइक के नंबर हैं। तो अभी ये वाला जगह ना यहाँ से अपन घुसेंगे इसके अंदर, और यहाँ से लिफ्ट मांगना शुरू करेंगे, शायद से कोई लिफ्ट दे दे, चलते हैं ऊपर मांगते हैं लिफ्ट, आगे तो लिफ्ट का कोई चांस नहीं है ऐसा बोला इन्होंने। भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो ये वाले भाई ने मेरे को यहाँ तक छोड़ा है, ये पिकअप से ड्रॉप किया था मेरे को। तो भाई ना सबसे पैसे देगा, बट भाई को मैंने बोल दिया मेरे पास तो पैसे नहीं है, चलो कोई नहीं भाई कोई और दे देगा। ठीक है भाई, नाराज तो नहीं हुआ ना? चलो ठीक है भाई, कहीं भाई को ऐसा लगा तो मैं दे देता, पर चलो मैंने भाई को बोला तो भाई ने बोल दिया। तो भाई मतलब इसमें पैसे दे, मेरे को पता ही नहीं था यार, अब अपन मांगेंगे किसी और से लिफ्ट।
भाई आप अंदर की साइड जाओगे? अंदर की साइड जाओगे? अंदर अजमेर की साइड जाओगे? इस रोड से चलेंगे। मेरे को छोड़ दोगे? मेरे को अजमेर जाना है। तो भाई लोग फाइनली मेरे को वहाँ से लिफ्ट मिल गई थी, वो पिकअप वाले भैया के बाद में ना, ये ट्रक वाले भैया ने मेरे को लिफ्ट दे दी थी। तो अभी मैंने माइक जो है उसको सेटअप किया यहाँ कॉलर में, तो शायद से वॉइस बेटर आ रही होगी क्योंकि हेलमेट में यही माइक यूज में लेता हूँ मैं, तो इस बार भी शायद से वॉइस आ जाएगा। मेरे को ना यहाँ पर रखना पड़ रहा है इसको, यहाँ पर ये काम नहीं करता। अब देखो अब वॉइस कैसे आ रही है, और एक अब देखो अब वॉइस बेटर आ रही होगी, तो ऐसे वॉइस ज़्यादा बेटर आती है। बट ऐसा ना मैं एक या तो गोप्रो को पकड़ सकते हैं या इसको, क्योंकि ट्राइपॉड पे गोप्रो नहीं लग सकता क्योंकि इसका एक स्क्रू है वो मैं नहीं लेके आया, भूल गया। तो देखेंगे कहीं पे मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी ट्राई तो अपन करेंगे। तो अभी चलते हैं और देखते हैं। तो ये ट्रक वाले भैया को देख लो भाई, ये भाई मिले थे मेरे को, और व्यू देखो भाई इस साइड में ना बहुत ही शानदार शानदार व्यू आ रहे हैं। ये भैया मेरे को मतलब लास्ट तक छोड़ देंगे, एंड तक 120 किलोमीटर पूरा इन्हीं के साथ में मैं जाने वाला हूँ। और नीचे जाने के बाद में तो मेरे हिसाब से जो है ये और भी ज़्यादा काम करेगा माइक वगैरह। तो ये माइक बीच से टूट रखा है वरना मोबाइल में काम ले लेता है इसको, तो मेरे को दिक्कत नहीं होती, पर मोबाइल में इसको नहीं डाल सकते क्योंकि इसका जो TRRS जो केबल है ना वो करेक्ट हो रखा है अंदर से, और जो TRS अडेप्टर है ना वो सही है। तो मैं TRS अडेप्टर को काम में ले रहा हूँ, TRRS को नहीं ले रहा हूँ। तो अभी चल रहे अपन ये वाली रोड से, सीधा मिलूँगा मैं अजमेर में और देखेंगे वहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे। होप कि GoPro से फुटेज और भी अच्छे आ रहे होंगे। अब तक जितने वीडियोस थे ना सब में वॉइस अच्छे से नहीं आएगी, बट अब से ना आपको सारे वीडियोस में वॉइस अच्छे से देखने को मिलेगी। सो सॉरी कि इतने सारे वीडियोस में मैंने आप सबको बोर कर दिया और वॉइस भी अच्छे से नहीं आई, और मैं जो जो एक्सप्लोर किया उसमें कुछ भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसी वजह से मैं सारा सब कुछ वीडियो नहीं डाल पाया। तो अभी जैसा कि आपने देखा मैं ट्रक के साथ में बढ़िया अच्छे से इन्जॉय कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको वॉइस भी क्लियर देखने को मिलेगी, मैंने कुछ जुगाड़ कर लिया। और ये वाली वॉइस सही लगी हो तो ठीक है, ना लगी तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं 150 रुपये वाले माइक का जुगाड़ कर लूँगा, कोई नहीं किसी ना किसी शॉप पर मिल जाएगा। तो यहाँ से जयपुर जो अजमेर जो है वो समथिंग अभी बता देता हूँ कितना किलोमीटर है, फिक्स 8 लोगों को। तो अजमेर यहाँ से ये देख सकते हो 43 किलोमीटर बचा है, 43 किलोमीटर के बाद मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, और वहाँ जब पहुँचने के बाद में देखेंगे। सो अभी 3:28 हो चुका है, अपन पहुँच जाएंगे 4:28 तक हाईएस्ट, लास्ट एक घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ट्रक वाले भैया के पास में लिमिट होती है 70 की स्पीड, सो इससे ऊपर ये नहीं जा सकते, सो इस स्पीड से अपने चलना है। चलते हैं बढ़िया मज़े लेते हुए, और वो देखो बढ़िया मस्त रोड के नज़र लो आप भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।